हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर। फ्रेंड्स देखिए, ये छोटे छोटे से क्रिएशंस करके हम अपने घर को ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज तो रखते ही हैं, साथ ही ये एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मन बहुत खुश होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक फूड कवर की वीडियो शेयर की थी, और आज मैं आप लोगों को इस फूड प्रोसेसर या कहिए मिक्सी के कवर और एक टोस्टर कवर की वीडियो दे रही हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियोस पर कमेंट करके अपने फीडबैक और सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा, इनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो टोस्टर का कवर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी लेंथ और ब्रीथ को मेज़र करेंगे, और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग दोनों तरफ 2+ करके हम अपना फैब्रिक कट करेंगे, और इस तरह से एक कॉर्नर पर हम 2x2 inches का मार्क लगाएंगे। ये देखिए, मैंने 2 क्लॉथ लिए हैं, आप इसमें बीच में फोम शीट भी रख सकते हैं। मैं 2 को मिलाकर के एक शीट बना रही हूँ और बीच में फोम शीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें चारों कॉर्नर्स पे कट कर लेना है। बहुत सिंपल है इसको बनाना। और ये देखिए, इस तरीके से अब हम फोल्ड करके एक मशीन यहाँ पर चलाएंगे। और इसी तरह से हम चारों कॉर्नर्स पर मशीन चलाएंगे, तो इस तरीके से देखिए इसमें कॉर्नर्स बन जाएंगे। अब फोल्ड करके सीधा करेंगे और इसके साइड्स में इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हमें इसमें थोड़ा सा पार्ट ओपन छोड़ देना है, पूरा कंप्लीट हमें इसको स्टिच नहीं करना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने ओपन छोड़ दिया है इसका। ये देखिए, अब ये देखिए, एक मैंने रेड कलर की ये फैब्रिक की लेस बना ली थी प्लेट्स डालकर, और अब आप इसको इस पर स्टिच कर दीजिए। ये जो हमारी सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए, आप कोई भी लेस का इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको पलट करके एक और टॉप स्टिच देनी है, जिससे कि हमारी ये लेस अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने ये लेस फिट कर ली है इसमें। आप कोई भी फ्रिल वगैरह कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने ओपन पार्ट छोड़ा था उसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, तो जितना हमारा राउंड है ये पूरा, उससे हमें लगभग 4 इंच कम करके इलास्टिक को लेना है और इसमें इंसर्ट कर देना है। इसके सिरों को अब हम सिल देंगे, और फिर हम ये ओपन वाला पार्ट भी सिल देंगे। अब हमारा ये रेडी हो गया, लेकिन मेरा प्लेन है इसलिए मैं थोड़ा सा इस पिक के ऊपर कुछ डेकोरेशन भी करूँगी। तो मैं पहले एक बो बना रही हूँ, जिसमें हमने एक स्क्वायर पीस को चारों तरफ से सिल लिया है, और अब इसका एक पार्ट उठा करके एक छोटा सा इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए, और इस कट को हम कट की तरफ से ही इसको लेते हुए सीधा करेंगे और कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से बाहर निकालेंगे। अब हम इसको इस तरीके से बांध देंगे तो एक ये बो की तरह तैयार हो जाएगा। साथ ही एक मैं स्ट्रिप भी छोटी सी बना रही हूँ इसमें टाई करने के लिए, जिससे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब ये देखिए, कुछ मैंने हार्ट्स भी कट करके रखे हैं,
इनको भी स्टिक करने के लिए। तो अगर आप भी इस तरीके से कर रहे हैं तो एक कैंडल की हेल्प से आप इसके जितने भी थ्रेड्स वगैरह साइड से निकलते हैं तो हल्का सा उसको टच करके इसके हटा सकते हैं धागे वगैरह। तो ये देखिए, एक मैंने पेपर पहले बिछा लिया है टोस्टर के ऊपर और अब मैं इसको इन सब को स्टिक कर दूंगी फेविकॉल की हेल्प से, और बाद में हम इसे सुई और धागे की मदद से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, अब हम पेपर को हटा लेंगे और ये हमारा टोस्टर का कवर रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे मिक्सी का कवर। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, एक पेपर को इसके पीछे इस तरह से रख दिया है और एक स्केच पेन की हेल्प से इसको पूरा मार्क कर लिया है जितना कवर हमें रेडी करना है, उसकी एक शेप इस तरह से मैंने ले ली है। ये देखिए, अब इस शेप को लगभग 5-5 इंचेस हमें बढ़ा देना है लेंथ में और कट कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए शेप कट हो गई। अब हम फैब्रिक के ऊपर भी इसकी शेप को इस तरह से कट करेंगे और 2-2 इंच का मार्जिन इसमें हम ले लेंगे सब तरफ से। ये भी देखिए मैंने 4 शीट्स ली हैं तो 2-2 की मैं एक एक शीट बनाऊंगी और दोनों को जोड़ दूंगी। आप इस भी इसमें भी फोम शीट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं फोम शीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से अब हमें रखना है इसको एक के ऊपर एक, और इतना पार्ट हमें स्टिच करना है, ये वाला पार्ट हमें स्टिच नहीं करना है, इतना पार्ट हमें स्टिच नहीं करना है, बाकी हम पूरा स्टिच करेंगे और नीचे से भी हम ओपन रखेंगे। तो एक कॉर्नर से पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहले हम सिलाई करेंगे और इसको रोकेंगे सिलाई को, और अब दूसरी तरफ से भी स्टार्ट करेंगे दूसरे कॉर्नर से, इतना पार्ट हमें ओपन रखना है। अब हम इसमें देखिए एक पॉकेट भी दे रहे हैं, तो इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे पहले इसी के बराबर, हम इसमें एक लेस भी लगा लेते हैं। तो ये हम इसमें लेस लगाएंगे, ये देखिए। अब इसको रख के साइड्स में हम पहले पिनअप कर देते हैं दोनों तरफ और साइड्स में मशीन चला लेंगे। ये देखिए, अब हम पीछे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। और इसके 3 पार्ट्स करेंगे तो बीच में हम 2 सिलाई इस तरह से स्ट्रेट सिलाई हम चलाएंगे जिससे हमारी 3 पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए, जब हम इनको स्टिचिंग करेंगे तो हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे सिलना है, नीचे वाला हिस्सा उसमें नहीं लेना है। तो ये देखिए 3 पॉकेट्स अब हमारी इसमें रेडी हो गई। अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे, तो यहाँ से शुरू करते हुए हम पूरी पाइपिंग लगाएंगे यहाँ और यहाँ साइड्स में दोनों तरफ। पाइपिंग का मेथड जो आपको इजी लगता है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से आप पाइपिंग लगा सकते हैं। एकदम यूज़लेस फैब्रिक का मैंने इसमें यूज़ किया है, जो कि पहले यूज़लेस था अब बहुत यूज़फुल हो गया है।
ये देखिए, अब दूसरी तरफ भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम ये जो ओपन वाला राउंड पार्ट है इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस राउंड को कवर करने के लिए एक ओवल कट करेंगे और इस ओवल को हम अब यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह से हमें सेट करना है, तो इसके लिए हम इसको पहले उल्टा कर लेंगे और पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम स्टिच करके अपना एक ये ओवल सेट कर देंगे और एंड में हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे पूरा गोलाई में। तो ये देखिए, अब हमारा कवर पूरी तरीके से रेडी हो गया है, ये वाला भी। ये देखिए, तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं जो हमें आगे के लिए गाइड करते हैं कि किस तरीके की वीडियोस हमें बनानी चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की आप वीडियोस पसंद करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसी तरीके की वीडियोज़ को प्रोवाइड कराने की। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।